हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज बॉलीवुड सॉन्ग्स 570 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज बहुत ही शानदार सुंदर टॉपिक पर बात करते हैं और हम आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर हसीन वादियाँ और सुंदर सुंदर मंदिर और पुरातात्विक स्थल के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं और दिखाते हैं, जो कि हमारे MP के विदिशा जिले में स्थित ग्यारसपुर तहसील से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम निकल चुके हैं दोस्तों ग्यारसपुर तहसील के मानोरा ग्राम से अपने पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक स्थलों की ओर घूमने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, हम मिलते हैं आपको वहीं उसी जगह पर जो कि हमारे सागर भोपाल रोड से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों हम आ गए हैं अटारी खेड़ा में। बहुत ही अच्छा बाजार लगता है यहाँ पर। 84 गांव के लोगों की पब्लिक आती है और यहाँ पर हर प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। और दोस्तों हम आ पहुँचे हैं उसी खास जगह जंगल में जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रकृति की सुंदरताएं और नज़ारे, पहाड़ की कुछ हसीन बात और हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। जगह से रूबरू कराते हैं जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर तहसील के लखुली गाँव में एक टहरिया है। बहुत शानदार जगह। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर पहाड़ की ओर। हमारी दादी जाती है घर 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 के ओर, हर हर महादेव, हर हर महादेव पर जाते हुए लोग आप देख सकते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही शानदार जगह है। हम आपको उस जगह से रूबरू कराएंगे आपके लिए। यहाँ पर खुले मैदान में गाय को चरते हुए बहुत ही शानदार जगह है और हमारे दोस्त काफी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत दूर से आए हुए हैं दादाजी का। देखिए कितना उत्साह की पहाड़ी पर आए हुए हैं लखुली बंडवा की ऐसे ही खूबसूरत जगह पर जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, जो कि लखुली बंडवा से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर टहरिया पर स्थित है। ये हमारे दोस्त आगे जाते हुए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी के सुंदर सुंदर नज़ारे और नेचर, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ। इस यहाँ पर हरियाली देखने को बनती है और यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में पब्लिक है, लोग डांस का एंजॉय करते हुए ढोल लगाड़ों के साथ। काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, आप देख सकते हैं लगभग 4 किलोमीटर के ऊपर से पहाड़ी है।
काफ़ी ऊंची पहाड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही सुंदर लगा। ये टोहरिया से नीचे की ओर जाते हुए दर्शनार्थी आप देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत। यहाँ पर भंडारा चलता हुआ, अब हम उसी खास जगह पर आ चुके हैं, बोल देंगे अपन सब कर लेंगे। तो दोस्तों आप कहाँ से आए हो, कृपया सर थोड़ा बताइए इस जगह का मतलब कैसा क्या है। के बारे में काफी कुछ नाम सुना था जी, और यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ की सुंदरता है, और यहाँ का जो प्रभावशाली लोकेशन है, हम आशा करते हैं आप सभी एक बार आइएगा। ये भी एक जैसे उदयगिरी हम जाते हैं, सबसे जाते हैं, ऐसा ये भी एक लोकेशन है जी, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सुंदर देखने की है और एक अद्भुत प्रकृति का नज़ारा है, और विशेष तौर पर यहाँ बरसात के टाइम पर बहुत अच्छा लगता है। ये भैया भी यहाँ भोपाल से आए हुए हैं, तो लगभग सर ये विदिशा से कितना किलोमीटर पड़ता है अपना विलेज? 35 से 40 किलोमीटर के अंदर पड़ता है जी जी, और ग्यारह तहसील के अंदर आता है सर। नाम लगी है तो सर यहाँ की कोई खास जगह से मुझे रूबरू कराइए आप जी। खास जगह यही है सर, यहाँ से बहुत प्राचीन एक मंदिर है, मतलब ये इसको बोलते हैं मृगन्नाथ बाबा जी का जी। यहाँ पर सुना था कि गुफा दी पहले यहाँ जल निकलता था, धूप की धार निकलती थी जी, कुछ पेन वगैरह निकलते थे, सिल्डर वगैरह ऐसे जी। की सबसे बड़ी लोकेशन में डोरिया मानी जाती है, yes. छोटी बोलते हैं एमपी का, तो बहुत भी है जिससे लेके सबसे ऊंची। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो गॉयस, आप देख रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत जगह, यहाँ की बहुत ही ख़ास जगह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, लगभग इंदौर से, भोपाल से, कोलकाता से, मैंने देखा है कि बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। सुविधा है यहाँ पे, सुबह पानी की सुविधा का ये घंटा मोटर लाइन जी चाहिए, और जहाँ पे सब लोग देखेगा जहाँ पर पानी की सुविधा है नहीं है, एक आवक जावक 24 घंटा की, और एक महात्मा राम के भरोसे डरा है, महात्मा से शेर का डर है, ना नहर का है, ना तेंदुआ का है। ये कहाँ पड़ता है, ये मतलब ये जगह कहाँ पड़ती है? लखुली जी। ये लगभग कितने किलोमीटर? ग्यारसपुर से कितने किलोमीटर पड़ेगी? ग्यारसपुर से कम से कम 20 किलोमीटर। चलिए ठीक है, और लखुली से 2 किलोमीटर जी जी जी। अरे नहीं, एक बहुत ही धार्मिक स्थल है और पुराना स्थान है मृगन्नाथ का स्थान है, मृगन्नाथ से जाना जाता है। जिले में पहले पहाड़ क्या आप इस चीज़ का पानी का विशेष तौर से इस चीज़ का प्रस्ताव रखा जाए कि पानी की व्यवस्था करी जाए। ऐसा बताया जाता था पहले कि यहाँ से जल निकलता था या हम पैसे निकालते थे, कुछ ऐसा बताया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना जी। जी जी, और आप पूरे भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग इस जगह पर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। अमावस्या के दिन तो ये प्रोग्राम होता ही है, लेकिन हर साल में एक बार होता है जहाँ जी जी जी, और वैसे आना जाना छठ 12 महीने लगा है, मगर जब साल में हरियाली अमावस को बहुत ज़्यादा महत्व। यहाँ की सुंदरता काफ़ी देखने लायक है, और विदिशा जिले की बताया जाता है कि विदिशा जिले की सबसे पहले नंबर की चोटी है ये जी। आप देख रहे हैं लखुली बंडवा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, कुछ बहुत दूर से आए हुए दर्शनार्थी।
का अद्भुत नज़ारा देखने को ही बनता है। बताया जाता था कि पहले यहाँ से जल निकलता था और कभी जब यहाँ पर कुछ पैसे का चिल्लड़ कून वगैरह निकलते थे और दूध की दाल निकलती थी। ये अमेजिंग लोकेशन है, कृपया आप लोग आइए एक बार विजिट कीजिए। और ग्यारसपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। पीछे की ओर जाते हुए आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, लगभग 666 मीटर ऊंची पहाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी के ढलान लगभग 645 फीट ऊपर, ये बहुत ही ऊंची टहरिया है। यहाँ का नज़ारा देखने का बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आसमान पृथ्वी से छुप गया। आप देख दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ एंड बेल आइकन को दबाएं।